नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, डॉक्टर एस एन सराफ जो कि वरीय अनुभवी चिकित्सक हैं, दरभंगा डीएमसीएच के पूर्व एचओडी रहे हैं एवं ऑर्थोपेडिक के क्षेत्र में उनका अपना शोध है, और उनके पुत्र डॉक्टर अभिषेक सराफ दोनों ने मिलकर आम जनता के लिए पहले भी कई काम किए हैं। इस बार ऑस्ट्रिया और जर्मनी से जो कई डॉक्टर आ रहे हैं जो मुफ्त में उन तमाम 25 मरीजों का मुफ्त ऑपरेशन करेंगे, दवा मिलेगी, रहने खाने की व्यवस्था होगी। और हम बता दें, ये फुट एंड एंकल डिफॉर्मेट्री सर्जरी के लिए, स्किनिंग के लिए, सर्जरी के लिए एक शिविर का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि 22 से 26 जुलाई तक ऑपरेशन होगा, लेकिन उससे पहले स्क्रीनिंग आपको जून में होगा, 22 से 20 जून को। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि डॉक्टर एस एन सराफ के नाका नंबर 6 अवस्थित जो मल्टीनेशनल हॉस्पिटल उन्होंने खोला है वहां पर है, या फिर फोन से कर सकते हैं। देखिए, इस संबंध में उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया, जिसमें डॉक्टर एस एन सराफ, डॉक्टर अभिषेक सराफ के साथ कई डॉक्टर मौजूद थे, डॉक्टर मनीष प्रसाद मौजूद थे। तो इन तमाम डॉक्टरों ने कहा कि अब मरीजों के लिए एक बेहतर सुविधा और एक समाज सेवा की तरह होगा, जो ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र के उन तमाम गरीब मरीज जिनके एंकल और अगर पैर में अगर किसी भी तरह की समस्या है, जो चल नहीं पाते, उनके लिए विशेष व्यवस्था। देखिए, आपको बता दें कि इस बैठक में एस एन सराफ दरभंगा के द्वारा दिनांक 22 से 26 जुलाई को फुट एंड एंकल डिफॉर्मेटी स्क्रीनिंग सर्जरी, कैलिपर वितरण एवं रिहैबिलिटेशन होने वाले कैंप के बारे में विस्तार से बताया गया। आपको बता दें कि इस कैंप में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया के जाने माने एवं मशहूर बच्चों के ऑर्थोपेडिक सर्जन द्वारा सेवा प्रदान की जाएगी। वहीं मरीजों के रहने खाने से लेकर जांच, इम्प्लांट, दवाई एवं सारी सुविधाएं मुफ्त मुहैया करवाई जाएगी। मरीजों की प्रारंभिक जांच 29 एवं 30 जून को प्रातः 10 बजे से संध्या 5 बजे तक की जाएगी एवं सर्जरी 22 से 26 जुलाई को की जाएगी। पैरों के पंजा एवं उससे संबंधित जन्म जात एवं जन्म के बाद बीमारियों की सर्जरी की जाएगी। यह कैंप दरभंगा में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। सबसे पहले मैं पुनः काफी समय के बाद अपने सारे मीडिया कर्मियों को, हमारी पूरी टीम जो इकट्ठित हुई है यहाँ पे आने के लिए, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। फिर से हम लोगों ने, सराफ हॉस्पिटल ने एक नया हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, एक नई टीम बनाई है, और दरभंगा के उत्थान के लिए जो भी लेटेस्ट एडवांस काम है हम लोगों ने यहाँ पे करना शुरू किया है। नए हॉस्पिटल बनाने का एक बड़ा मकसद ये है कि अब हम लोग गरीब मरीजों का, पिछले वर्ग के मरीजों का क्वालिटी सर्विस के साथ, वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी की सर्विस के साथ इलाज कर पाए, वो भी कम से कम खर्च में या मुफ्त में। इस पहल में सरकार भी हम लोगों के साथ रह रही है, जिसके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, आयुष्मान सबके साथ। पर मोर ओवर हम लोग एक चीज और कर रहे हैं, 22 से 26 जुलाई के बीच में हम लोगों के यहाँ 1 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के बच्चों का कोई भी विकृति हो, जैसे कि पैर का टेढ़ापन जिसको CTV कहा जाता है, सेरेब्रल पाल्सी होता है, कई बच्चे अपने से खड़े नहीं हो पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, डिलेड माइलस्टोन्स होते हैं, कूल्हे की हड्डी की तकलीफ रहती है, घुटना टेढ़ा हुआ रहता है, पैर पंजा टेढ़ा हुआ रहता है, इन सब मरीजों का टोटली मुफ्त इलाज, रजिस्ट्रेशन मुफ्त है। उनको चूज किया जाएगा कि इन मरीजों का इलाज होना है इस बेसिस पे कि उनका क्या इलाज होना है। मरीज भर्ती यहाँ पे होंगे, उनको खाना मुफ्त मिलेगा, उनका लगने वाली सारी दवाएं मुफ्त मिलेंगी, उनका ऑपरेशन मुफ्त होगा। और इस कार्यक्रम में हम लोगों के साथ हमारी टीम, जो डॉक्टर बीके सिंह सर हैं, डॉक्टर मनीष भैया हैं, डॉक्टर एस एन सराफ जो कि पूर्व अध्यक्ष से रह चुके हैं बिहार ऑर्थोपेडिक्स एसोसिएशन के, प्रियंका सराफ है, के साथ साथ 2 इंटरनेशनल फेम के डॉक्टर जो कि वर्ल्ड के टॉप 10 डॉक्टर्स में आते हैं बच्चों के, वो भी आ रहे हैं ईश्वर संस्थान के माध्यम से, जो 4 दिन दरभंगा में रहेंगे। एक जर्मनी के रहने वाले हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, डॉक्टर ऑस्लर हैं, और वो भी दरभंगा आएंगे, हमारे शहर आएंगे, यहाँ पे बच्चों को देखा जाएगा, उनका इलाज किया जाएगा, टोटली मुफ्त किया जाएगा। इनफैक्ट इस कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने स्पेशल परमिशन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से लिया है, क्योंकि कोई भी विदेशी डॉक्टर आकर के इंडिया में इलाज नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोगों के पास मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से भी परमिशन आ गया है कि हम लोग इनका इलाज यहाँ पर कर सकते हैं,
डॉक्टर ऑस्लर करेंगे ऑस्ट्रिया से, और जर्मनी से आए हुए डॉक्टर करेंगे, और हमारी टीम तो रहेगी रहेगी। हमारे इस हॉस्पिटल में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर हम लोगों ने आप लोगों को आमंत्रित, वो उद्देश्य समाज के कल्याण से। बहुत से ऐसे मरीज बचपन से लेकर बुढ़ापे तक फुट एंड टखना एंकल ज्वाइंट को कहते हैं, उसकी विकृति से ग्रसित हैं, उनका सही उपचार नहीं हो पाता। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, लेकिन बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, ऐसी विकृतियां हैं जो हम लोग नहीं करेक्ट कर पाते। ऐसी विकृतियां जन्मजात भी होती हैं, जन्म के बाद भी होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि कंजेनाइटल, और उसके बाद पोस्ट ट्रामेटिक भी हो सकती है, गठिया हो सकता है, विभिन्न कारण अन्य भी हो सकते हैं, जिसका इलाज आसान नहीं है, बहुत टफ है, मुश्किल है, और लोग करा भी नहीं पाते, हार जाते हैं क्योंकि सही इलाज नहीं हो पाता। तो ये हम लोग आपके माध्यम से, आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से एक मैसेज संदेश देना चाहते हैं कि वर्ल्ड के बेस्ट, जो दुनिया के हर कोने में जाने जाते हैं, दो ऐसे चिकित्सक आ रहे हैं, जो दो ऐसे पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन आ रहे हैं, जो कि एक जर्मनी से हैं, एक ऑस्ट्रिया से हैं, और ये एक ईश्वर संस्थान है, तो उसके के तहत वो उसका इलाज करेंगे, सर्जरी करेंगे, और सर्जरी बहुत ही खूबसूरत सर्जरी करेंगे। हम लोगों ने देखा है उनको, उनके बारे में जाना है, कई साइंटिफिक पेपर उनके हम लोगों ने पढ़े हैं, तो उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया है, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है। ये जो हम लोग पहले तो स्क्रीनिंग करेंगे मरीजों का, जो कि 29 और 30 को जो उन्हें स्क्रीन का मतलब छांटेंगे ऐसे मरीजों को, मान ली बहुत से मरीज जमा हो गए और उतना नहीं कर पा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो ईश्वर संस्थान है, और जो डॉक्टर साहब, सीनियर डॉक्टर साहब लोग हैं, वो लोग अपने इसमें लगने वाले प्लेट स्क्रूज को लाएंगे, सारा खर्च उनका है। अब हमने इनको जगह प्रोवाइड की है, हम लोगों ने इनको मरीज प्रोवाइड किया है, जिसका कि वो सर्जरी करें। ये ऑपरेशन सराफ हॉस्पिटल है, यहाँ पे अगले महीने में जो 18 वर्ष से कम के बच्चे हैं, जिनके पांव में विकृतियां हैं, छोटे छोटे कैलिपर्स, टैलिपर्स, इस तरह की चीजें, क्लब फूड जिसमें बच्चे तेरे चलते हैं और ठीक नहीं हो पाता है, उसे ही बच्चों का यहाँ मुफ्त में ऑपरेशन होगा, जिससे बच्चे भविष्य उज्ज्वल हो सके। क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि जब तक बच्चे अगर अच्छे नहीं होंगे तो भारत का भविष्य अच्छा नहीं हो पाएगा। मुश्किल ये था कि दरभंगा शहर में इस तरह की सुविधाएं नहीं थी, इस तरह के ऑपरेशन बाहर शहर में ही होता था, जो दिल्ली और मुंबई है। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर सराफ सर ने ये बहुत अच्छी पहल की है कि विदेश से दो डॉक्टर को, जो मानक माने जाते हैं पूरे विश्व में, और MCI से रजिस्टर्ड करा के वो दरभंगा ऐसे छोटे शहर में ऐसे बच्चों का मुफ्त में ऑपरेशन करने के लिए उनको बुला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दरभंगा का भविष्य और भी उज्ज्वल होगा, क्योंकि छोटे बच्चे से ही भविष्य उज्ज्वल होता है। अगर वो चल पाएंगे तो दौड़ भी पाएंगे, तभी हमारा देश दौड़ पाएगा। तो मेरी तरफ से डॉक्टर एस एन सराफ हॉस्पिटल को तहे दिल से शुक्रिया कि इतने बड़े कदम को वो उठा रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि वो एक सोशल वर्कर भी है चिकित्सक के साथ साथ। जहाँ तक मुझे न्याय ने 3 साल पहले भी उन्होंने हाथ की विकृति के लिए काम किया था, और अब फिर कर रहे हैं और आगे भी करते रहे, कैसा मैं उम्मीद करता हूँ। ऑपरेशन किया जाएगा या फिर आर्टिफिशियल लिम्ब या कैलिपर दिया जाएगा, उसकी सुविधा दरभंगा या नॉर्थ बिहार में भी नहीं के बराबर और नहीं है। तो हम लोग आशा करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मरीज यहाँ जुटे और लाभ उठाएं। चयन की जो प्रक्रिया है उसके जो एक्सपर्ट है वही बताएंगे, बस हम लोगों का और बाकी यहाँ जो डॉक्टर है उनका ये काम है कि हम लोग को जो लगे कि जो एलिजिबल हो सकते हैं मरीज, उनको यहाँ तक हम लोग पहुँचा दें। बाकी उसका चयन जो होगा, उसका ऑपरेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, या फिर किसी को केस देखने के बाद, ये केस देखने के बाद पता चलेगा, क्योंकि उसके एक्सपर्ट बाहर से आ रहे हैं। कामना करते हैं कि ये दरभंगा शहर को एक बहुत बड़ा नया और बहुत ही उम्दा किस्म का हॉस्पिटल मिला है दरभंगा समाज, दरभंगा शहर के लिए निश्चित रूप से ये एक उपलब्धि है, और हम लोगों की पूरी ब्लेसिंग है कि ये जितना फले फूले और दरभंगा के लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। बहुत इस प्रोग्राम के बारे में भी ऐसा ही है कि यहाँ पेशेंट जितने भी आएंगे उनको 100% एश्योरिटी के साथ
गायनिक में, ऑर्थोपेडिक में, ये बहुत ही